जय हिंद फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त आज का होस्ट करण प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल पेट्स प्लाजा। आज मैं वेलकम करता एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज का वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, उन फ्रेंड के लिए जिनके घर पे फीमेल है, मीटिंग करवा चुके हैं, प्रेग्नेंट हो चुकी है, पपीज़ हो चुके हैं, पपीज़ मदर का मिल्क नहीं आ रहा है, पपीज़ क्या पियेंगे, क्या खाएंगे, मदर को क्या हम लोग मेडिसिन दे सकते हैं कि जो मिल्क आए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है पपीज़ के ग्रोथ के लिए। तो आज मैं इस वीडियो में आपको सब ऑल टोटल बताऊंगा कि क्या डाइट देना चाहिए, क्या पपीज़ को आप पिला सकते हो, कितने टाइम पिला सकते हो, क्या खिलाना चाहिए, ऑल टोटल बताऊंगा। तो जिस फीमेल का मिल्क नहीं आ रहा है पपीज़ के लिए कि पपीज़ को पीने के लिए, तो आप उसको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फीमेल को क्या देना चाहिए। फीमेल को जैसे कि मैंने इसके आगे वीडियो में दिखाया था, ये एक ऑस्टोवेट बोल के एक कैल्शियम आता है जिसमें आपको वाई मिरल बोल के एक मल्टी विटामिन आता है उसको ऐड करना पड़ता है। जैसे आप देख सकते हो वाई मिरल, ठीक है, एक मल्टी विटामिन है और ये कैल्शियम है। ये आप इसका उल्टी तरफ आप देख सकते हो मिल्क के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, मिल्क का प्रोडक्शन ये बढ़ाता है, इंक्रीज़ करता है। ये हर एनिमल को दे सकते हैं, वेटनेरियन कोई भी एनिमल को दे सकते हो, वो लार्ज एनिमल हो या डॉग को हो। आप ये देख सकते हो मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाता है। ये 1 लीटर का है, 1 लीटर के साथ ये 60 ml देना है, 60 ml वाई मिनरल इसको ऐड कर देना है। ये 35 डेज़ के बाद ही से चलाना पड़ता है जब फीमेल प्रेग्नेंट रहती है। तो यदि मिल्क नहीं आ रहा या आप स्टार्ट अभी तक नहीं किए हो तो अभी पपीज देने के बाद आप स्टार्ट कर दो, या मेरे वीडियो देख के आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको डोज देना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जब आपका पपीज़ का फीमेल का मिल्क नहीं आ रहा है तो आपको डोज देना है 15 ml से स्टार्ट करना है, 5 दिन बाद उसको 20 ml करके एक टाइम देना है, 2 टाइम करके डोज देना है, 15 ml करके 2 टाइम स्टार्टिंग करना है आपको, ठीक। उसके साथ आपको फीमेल को देना पड़ेगा, ये एक ह्यूमन का फीमेल का एक पाउडर टाइप है, ठीक है, लैक्टोलिन। ये एक बेस्ट, जैसे कि आप भी फीमेल को दोगे 1 स्पून करके, 1 टीस्पून आपको एक मीडियम साइज का स्पून लेना है, वो खाने के साथ ये पाउडर होगा। जैसे कि मैं खोल के आपको दिखा दे रहा हूँ, कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो एक स्पून आपको लेना है मीडियम साइज का, लेके खाना में फीमेल जो खाएगी, जैसे कि ये अभी प्रेग्नेंट है तो ये अभी इसका मिल्क नहीं हो रहा पपीज होने के बाद भी, तो आपको एक स्पून खाने के साथ सुबह और एक स्पून रात को मिला के आपको देना पड़ेगा। तो ये आपको रेगुलर कंटिन्यू करना पड़ेगा जब तक मिल्क ना आ जाए। इसको आप 3 से 4 दिन में खिलाओगे तो आपको मिल्क आने का एकदम कंफर्म 100% चांस है, जैसे कि मिल्क आ जाएगा, ठीक है। और अब चलते हैं बच्चों की तरफ, बच्चों को आपको क्या देना है, ठीक है। फर्स्ट आप लोग को फीडिंग करवाना है लैक्टोजिन। ये एक ह्यूमन का दूध है, जैसे पपी जो हम लोग के जो बच्चा होता है उसका दूध है, ठीक है, ह्यूमन का। तो ये आपको देना है, जैसे कि आप देख सकते हो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये एक स्पून मिलेगा, ये स्पून को आपको देना है। उसके साथ मैंने ये यूज़ भी किया है, तो ये आपको इस तरीके का एक पाउडर मिलेगा, 400 ग्राम का रहता है। इसमें पूरा शेड्यूल लिखा हुआ है, मगर ये ह्यूमन के लिए लिखा हुआ है शेड्यूल, तो मैं आपको पपीज़ के लिए बताता हूँ। 20 ml वाटर में, वार्म वाटर, जो कि नॉर्मली जैसे हम लोग पी सके वार्म वाटर, बच्चे को पी सके, बच्चे का मुँह ना जले, तो आपको 1 चम्मच देना है, 20 ml में 1 चम्मच, ठीक है। कुछ इस प्रकार के आपको इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा, ठीक है, तो इस प्रकार का आप उसको पिला सकते हो, बच्चे को दे सकते हो। 1 ml का आता है, 1 ml अभी स्टार्टिंग में आपको 1 ml करके एक बच्चे पिएगा दूध, तो आपको 20 ml में, 20 ml में आपको देना है 1 स्पून, ठीक है। और बच्चे को उसके साथ चलेगा रैनटेक, रैनटेक सिरप होता है, ये एक एसिडिटी का दवा है। जैसे कि आप बाहर का किना हुआ मिल्क पिला रहे हो बच्चे को, तो उसको एसिडिटी का प्रॉब्लम होने का चांसेस 100% है, तो आप इसको 2 ड्रॉप करके खाली पेट बच्चे को 2 टाइम, 1 दिन में 2 टाइम देना है इसको। इससे देने से ये होगा कि वो जो एसिडिटी का, जो उसको एसिडिटी का प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा, वो बच्चा रोएगा नहीं, अच्छा से सोएगा, ठीक है।
और उसके साथ आपको मेडिसिन देना है नियोपेप्टिन। नियोपेप्टिन एक हजम का दवा है, ये ह्यूमन का बेबीज के लिए भी है, यूज़ होता है, या वो कहीं भी स्टोर में मिल जाएगा, दोनों आपको सब स्टोर में आपको मिल जाएगा ह्यूमन का, जहाँ पर ह्यूमन का प्रोडक्ट मिलता है मेडिसिन शॉप में। तो ये भी आपको दो दो ड्रॉप करके खाना खाने के बाद, मिल्क पी लिए, मिल्क पीने का दो ड्रॉप के बाद आपको देना पड़ेगा। इससे हजम शक्ति, मतलब उसको भूख ज़्यादा लगेगा, हजम होगा उसका खाना, जो भी मिल्क आप दे रहे हो, पॉटी अच्छा होगा उसका। तो ये आपको चीज़ आपको देना है अपने फीमेल को, फीमेल को ये दो दो चीज़ आपको देना है। कैल्शियम देना है जिसकी मिल्क मिल्क प्रोडक्शन बढ़े, उसके साथ मल्टी विटामिन, ठीक है। उसके बाद लैक्टोलिन देना है, जो कि उसका जो मिल्क है, मिल्क को प्रोडक्शन को इंक्रीज करे, मिल्क प्रोडक्शन अच्छा करे, ठीक है। तो ये डोज के हिसाब से डेज बाय डेज आपको इंक्रीज भी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 15 ml देना है, 15 ml से 20 ml करना है, 20 ml से 25 ml करना है कुछ दिन बाद। और डाइट में आपको फीमेल को देना पड़ेगा अच्छा खाना, जैसे चिकन दे सकते हो, अच्छे एग दे सकते हो, एग दे सकते हो, चिकन देना है, चावल अच्छे से दे सकते हो, या आपको ड्राई फूड रखना है तो ड्राई फूड में आप चिकन ऐड कर सकते हो एक्स्ट्रा में, अंडे दे सकते हो, दो तीन से चार टाइम आपको देना है, सिक्स आवर 500 करके गैपिंग करके, ठीक है फ्रेंड। तो इससे अच्छा उससे आपका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा, मिल्क इंक्रीज होगा ये प्रोडक्ट से। पप्पीज़ को 4 times करके फीडिंग करवाना है, 4 times आपको फीडिंग करवाना है। लैक्टोजिन ज़रूरी नहीं है कि आपको लैक्टोजिन ही यूज़ करना पड़ेगा, कोई भी ह्यूमन बेबीज़ का जो मिल्क होता है फर्स्ट स्टेज का, तो आप यूज़ करवा सकते हो। जैसे आता है नान वन आप यूज़ कर सकते हो, लैक्टोजिन यूज़ कर सकते हो, और भी बहुत सारे कंपनीज़ बनाते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हो फ्रेंड। तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, वीडियो को एंड तक देखें। प्रेगनेंसी के बारे में, हीटिंग के बारे में मेरे पास और भी बहुत सारे वीडियो है, आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा और आई बटन में मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें फ्रेंड, और सब्सक्राइब करना ना भूले। चलते हैं वीडियो को एंड करते हैं फ्रेंड यहीं पर।